Dear student, question number 6, part 1, exercise 1.5. AB whole inverse equal B inverse, A inverse. वो given value A and B, दो matrices है हमारे पास. A matrix है हमारे पास 4, 0, minus 1, 2, B equal to minus 4, minus 2, 1 and minus 1. लेफ्ट हैंड साइड को पिक किया ए बी होल इनवर्स. सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे ए को बी के साथ. मल्टीप्लाई का मेथड रिवाइज कर चुका हूं, वही तरीका है, उसी मेथड को यूज करते हुए हम ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं. फर्स्ट रो सेकंड रो दोनों रोज को फर्स्ट कॉलम के साथ. फर्स्ट एलिमेंट 4, इसका फर्स्ट एलिमेंट 4 है. 4 मल्टीप्लाई माइनस 4, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के साथ 0 मल्टीप्लाई 1. सेकेंड रो को माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 4, 2 मल्टीप्लाई 1. फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकेंड सेकेंड के साथ. अब इन दोनों रोज को सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे. 4 मल्टीप्लाई माइनस 2, 4 मल्टीप्लाई माइनस 2, 0 मल्टीप्लाई माइनस 1. सेकंड रो को माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस 1. अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं. 4 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 16 प्लस 0 वन द 0 माइनस माइनस प्लस 4 वन द 4 प्लस 2. 4 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें माइनस 8 प्लस माइनस माइनस 0 वन द 0 माइनस माइनस प्लस 2 वन द 2 प्लस माइनस माइनस 2 वन द 2. ए बी इक्वल टू माइनस 16 प्लस 0, माइनस 16 रहा माइनस 8, 4 प्लस 2 6 प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल 0. तो स्टूडेंट्स हमने ए बी फाइंड कर लिया है, ए मैट्रिक्स को बी के साथ मल्टीप्लाई कर लिया है. अब हमने जो फाइंड करना है ए बी का होल इनवर्स फॉर्मूला देखते हैं. ये वही इनवर्स है जो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी हमने सोल्व किया और 4 के अंदर भी सोल्व किया है. 1 ओवर डेट ए बी एडजॉइंट ए बी. ए बी मैट्रिक्स जो हमने फाइंड किया है उसका डेट फाइंड करते हैं. ये हमारे पास ए बी का डेट है और ए बी का मैट्रिक्स है हमारे पास. ए बी का हमने डेट फाइंड करना है माइनस 16 माइनस 8, माइनस 16 माइनस 8 6 एंड 0. ए बी डेट ए बी इक्वल टू माइनस 16 मल्टीप्लाई 0, ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई है. माइनस ये फॉर्मूले में है 6 मल्टीप्लाई माइनस 8. डेट ए बी इक्वल टू 0, 16 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 माइनस माइनस प्लस 6 8 द 48. डेट ए बी इक्वल टू क्या 48. अब हम ए बी का एडजॉइंट फाइंड करते हैं. एडजॉइंट ए बी एडजॉइंट क्या है, अब इसी यहीं से आप देखें, चूंकि ये भी मैट्रिक्स ए बी की वैल्यूज हैं के एंट्रीज हैं, हम इसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं उसकी जगह तब्दील करेंगे. ये डायगोनल है माइनस 16 और 0, 0 यहां पे आएगा माइनस 16 और इनकी साइन 8 प्लस हो जाएगा और माइनस का 6. तो ए बी होल इनवर्स इक्वल टू 1 ओवर डेट ए बी एडजॉइंट ए बी. ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू 1 ओवर डेट ए बी. हमने क्या फाइंड किया 48. एडजॉइंट ए बी 0 8 माइनस 6 एंड माइनस 16, 1 ओवर 48. इसको अंदर मल्टीप्लाई करें. ए बी होल इनवर्स इक्वल टू 0 1 से मल्टीप्लाई होगा 0,
ओवर 48, 8 वन द 8 ओवर 48, माइनस 6 वन द 6 ओवर 48, माइनस 16 ओवर 48। स्टूडेंट्स अब इसकी कटिंग होगी, ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू क्या है, जब ये 0 और 48 डिवाइड हो गया आपस में 0, 8 वन द 8, 8 6 48, 1/6 बच गया, 6 वन द 6, 6 8 द 48, माइनस 1/8, 16 वन द 16, 16 3 द 48, माइनस 1/3। स्टूडेंट्स ये थी इसकी लेफ्ट हैंड साइड। डियर स्टूडेंट्स नाउ राइट हैंड साइड, बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स को ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। फर्स्टली हम फाइंड करते हैं बी इनवर्स, 1/B एडजॉइंट बी, डेट बी और बी का जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स ये हमारे पास है -4, -2, 1 एंड -1। डेट बी इक्वल -4 × -1, फॉर्मूले में माइनस की साइन, 1 × -2, डेट बी इक्वल टू -± 4 × 1 = 4, -± (2×2). डेट बी इक्वल टू 6, 4 + 2 = 6 आ गया। एडजॉइंट बी निकालेंगे, आप इसी ये मैट्रिक्स बी की वैल्यूज हैं इनको एक्सचेंज कर दें तो क्या आ गया -1, -4 और इनकी साइन ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस का 2 था ये प्लस हो गया और ये माइनस का 1। तो डियर स्टूडेंट्स ये एडजॉइंट बी निकला है, तो बी इनवर्स इक्वल टू 1/, चूंकि फॉर्मूले में डेट बी होता है तो डेट बी हमने निकाला था 6, वो लिख दिया आगे एडजॉइंट बी, ये भी हमने फाइंड किया वो यहाँ पे हमने पुट कर दिया, तो बी इनवर्स की वैल्यू ये हमारे पास होगी। अब हम फाइंड करते हैं ए इनवर्स, ए इनवर्स 1/ डेट ए एडजॉइंट ए, डेट डेट ए, डेट की साइन, अब इसके अंदर ए का मैट्रिक्स लिखेंगे जो हमारे पास है 4 0 -1 2, 4 0 -1 2 उठ गया, डेट ए 4 × 2, फॉर्मूले में माइनस, -1 × 0, चूंकि 1 के साथ भी माइनस है इसलिए उसको मैंने इनटू में लिख दिया, डेट ए इक्वल टू 4 to the 8, -± 1 0 × 0, डेट ए इक्वल टू 8 + 0 = 8 आ गया। अब हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे, ये ए का मैट्रिक्स है, ए की वैल्यू पुट की हुई है, 4 2 को एक्सचेंज कर दें, 2 and 4 हो गया, 0 के साथ, 0 न्यूट्रल नंबर होता है इसके साथ कोई साइन नहीं होती, ये माइनस का 1 है तो यहाँ पे प्लस का 1 हो गया चूंकि एडजॉइंट हमने फाइंड किया। उसी तरह ए इनवर्स ये किसके इक्वल होता है, 1/debt A, अब डेट ए हमने क्या फाइंड किया था, 8, 1/debt A, उसकी जगह पे 8 लिख दिया, एडजॉइंट हमने ये फाइंड किया, आगे एडजॉइंट लिख दिया 2 0 1 4। तो डियर स्टूडेंट्स हमने बी इनवर्स भी फाइंड कर लिया, बी इनवर्स ये ए इनवर्स है, अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो तरतीब के लिहाज से पहले बी इनवर्स आएगा फिर ए इनवर्स आएगा। ये बी इनवर्स की वैल्यू मैंने लिख दी जो हमने फाइंड किया 1/6 -1 2 -1 -4 मल्टीप्लाई 1/8। अब ये हमने ए इनवर्स की वैल्यू लिखी है, तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि इस मैट्रिक्स के बाहर 1/6 है, इसके बाहर 1/8 है,
आसानी के लिए आपने क्या करना है कि इनको मल्टीप्लाई, फर्स्टली इनको मल्टीप्लाई करना, वन वन से मल्टीप्लाई होगा वन, एट को सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 48। अब यहां पे इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट रो सेकंड रो इसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई टू, टू मल्टीप्लाई वन, लास्ट की साइन दरमियान में आएगी। सेकंड रो को -1 मल्टीप्लाई टू प्लस -4 मल्टीप्लाई वन, इन्हीं रोज को हम सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई जीरो, -1 मल्टीप्लाई जीरो प्लस 2 मल्टीप्लाई 4, सेकेंड रो को -1 मल्टीप्लाई जीरो प्लस फॉर्मूले में -4 मल्टीप्लाई 4, 1/48, 1/48 ऐसे लिख दिया, -1 2 से मल्टीप्लाई हुआ -2 प्लस 2 1 2, -1 2 से मल्टीप्लाई होगा -2 प्लस माइनस माइनस 4 1 4, -1 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 2 4 8, -1 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 प्लस माइनस माइनस 4 4 16। तो डियर स्टूडेंट्स, बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू 1/48, -2 प्लस 2 कैंसिल हो गए 0, 0 प्लस 8 8, दोनों माइनस की वैल्यूज है लिहाजा ये प्लस हो जाएंगी, -6 आ जाएगा, वैल्यू प्लस होंगे, 0 -16 इट्स मीन -16। स्टूडेंट्स आप 1/48 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 0 1 से मल्टीप्लाई होगा 0/48, 8 1 से मल्टीप्लाई होगा 8/48, -6 1 से मल्टीप्लाई होगा 6/48, -16 1 से मल्टीप्लाई होगा 16/48। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, 0/48 डिवाइड होंगे 0, 8 1 द 8, 8 6 द 48, 1/6 रह गया, 6 1 द 6, 6 8 द 1/8, 16 1 द 16, 16 3 द 48, 1 -1/3। -1/8, 0 1/6 -1/8 -1/3। डियर स्टूडेंट्स ये राइट हैंड साइड को हमने सोल्व किया, तो अब देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आया था हमारे पास। ए बी होल इनवर्स 0 1/6 -1/8 एंड -1/3, दोनों साइड्स हमारे पास इक्वल आई हैं, तो इससे साबित हुआ, प्रूव दैट, पास साबित हुआ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। डियर स्टूडेंट्स ये पार्ट नंबर 1 था क्वेश्चन नंबर 6 का, इसका सेकंड पार्ट आप खुद अटेम्प्ट करेंगे, आप खुद कोशिश कीजिएगा।